हाय गाइस, जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई फोटोज, वीडियो से फिर डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करते हैं या फिर हम अपने मोबाइल के एसडी कार्ड से यानी मेमोरी कार्ड से कोई फोटोज या फिर वीडियोस को डिलीट करते हैं तो हमें लगता है कि वो फोटोज को और कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी डिलीट फोटोज, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स को हम एक रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से रिकवर कर सकते हैं, यानी उसे वापस ला सकते हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो और आप उसे डिलीट कर देते हो, आप चाहते हो कि उसका यूज कोई और ना कर पाए, लेकिन बाद में वही कंप्यूटर आप किसी को दे देते हो और वो रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से उस फाइल को रिकवर कर लेता है, तो ऐसे में वो उस फाइल का मिसयूज़ यानी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी फाइल्स हो, फोटोज हो, वीडियोस हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप सिस्टम के हार्ड डिस्क या फिर अपने मोबाइल के एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड से परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, उसके बाद उसे कोई रिकवर नहीं कर सकता, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरो आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी गैन चैनल में। तो यहाँ पर हम एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली आप हमारे ब्लॉग से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन उससे पहले आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो चलिए सीधा हम कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी तरह की फाइल्स को परमानेंटली कंप्यूटर या फिर मोबाइल के मेमोरी कार्ड से डिलीट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है फाइल श्रेडर, जो कि फ्री है, जिसे आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे सिंपली अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये फाइल श्रेडर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आता है ऐड फाइल या फिर ऐड फोल्डर। अगर आप किसी फाइल को, एक सिंगल फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ऐड फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक दिखा देता हूं। मैंने सिंपली ऐड फाइल पे क्लिक करा, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया, माई वीडियो नाम है, और इसे ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर आपको कोई फोल्डर ऐड करना है और उसे परमानेंटली डिलीट करना, तो यहाँ पर आप ऐड फोल्डर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है, तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर श्रेड फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू श्रेड फाइल, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपने हार्ड डिस्क के कोई पार्टीशन को डिलीट करना है या फिर हार्ड डिस्क के पार्टीशन में कोई फाइल से उन्हें परमानेंटली डिलीट करना है या फिर अपने फ़ोन के एसडी कार्ड को यानी मेमोरी कार्ड से कोई डेटा को डिलीट करना है, यानी अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल या फिर फोल्डर है हार्ड डिस्क के अंदर, उन सभी को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा श्रेड फ्री डिस्क स्पेस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क पार्टीशन होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल विंडोज़ की फाइल को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, हालांकि इस फाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए, इससे आपका जो विंडो है कंप्यूटर सिस्टम वो उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी दूसरे पार्टीशन को, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टीशन का नाम है माई ड्राइव, इसके अंदर मेरे कुछ फाइल्स हैं, आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको कोई मेमोरी कार्ड है या फिर कोई पेन ड्राइव है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट सिक्योर एल्गोरिथम पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे एल्गोरिथम मिल जाएंगे इस फाइल को डिलीट करने के लिए परमानेंटली। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिंगल वन पास या फिर सिंगल टू पास फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आपका जो डिलीट फाइल है वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि इसमें वन पास और टू पास होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डीओडी या फिर आप यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी मेथड या फिर तीनों में से कोई सा भी मेथड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस मेथड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं मानना है परमानेंटली। तो यहाँ पर अगर आप अपना फॉर्मेट मानना चाहते हैं, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो आपका जो भी फाइल है, जो भी हार्ड डिस्क के अंदर, जो भी पार्टीशन के अंदर था या फिर स्टोरेज डिवाइस के अंदर था, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिर
उसके बाद उसे कोई रिकवर नहीं कर सकता। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।